Just look at this beautiful wedding card with an image of Hindu god Ganesha embossed on it. It is a common practice among Hindu families to have Ganesha, believed to be the deity of prosperity, embossed on wedding invitations. For those of you wondering what is so special about this wedding card, this is the invitation for the wedding of a Muslim man, Salim Makrani. With this, Makrani and his family, natives of Jhabua district in Madhya Pradesh, have set an example of communal harmony. This is not all. Several ceremonies of Makrani's wedding will also be conducted according to Hindu rituals. The whole family is feeling proud to take such a bold step. बहुत अच्छा लगा छपाई तो सब अच्छा लगा मेरे भी दोस्त हिंदू ही हैं जितने भी हैं ना ऐसा था मेरे जो दोस्त लोग थे सभी हिंदू धर्म से रिलेटेड थे वो दोस्त लोग मतलब सभी चाह रहे थे कि यार कुछ खाने का प्रोग्राम तो मैंने ये सोचा कि अब हिंदू भाई लोगों को पत्रिका दी जाए तो उनके धर्म के हिसाब से दी जाए और जो खाना वगैरह भी मैंने उनके हिसाब से रखा था. Makrani's family has also been appreciated by friends and neighbors for taking this step. The family believes this move will help in cementing stronger inter-community ties. शाम को जब मैं घर गया मैंने पत्रिका देखी तो मुझे लगा कि कोई हमारे मित्र हिंदू भाई की ही पत्रिका होगी. लेकिन जब मैंने उसमें नीचे पढ़ा कि सलीम भाई की शादी है तो उसमें गणेश जी का चित्र वगैरह देख के मुझे बहुत खुशी हुई. उसके बाद मुझे लगा कि यार मतलब इन्होंने एकता का परिचय दिया है और जब मैंने उस पत्रिका को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इवन द वेडिंग कार्ड डिजाइनर ऑफ Makrani वॉज रियली हैप्पी टू गेट सच एन ऑर्डर एंड ही लॉन्ग्स टू रिसीव सच ऑर्डर्स अगेन एंड अगेन. जो अपनी शादी की पत्रिका में गणेश जी का चित्र छपवाया है ये देख के बड़ा अच्छा लगा जब पत्रिका हम लोगों को मिली. दरअसल यही भारत की जो गंगा जमुना तहजीब है वो यही है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा मिलजुल के रहते आए हैं और सलीम ने इसी मेलजोल का संकेत दिया है. एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया है, आदर्श प्रस्तुत किया है. पत्रिका जब हमारे हाथों में आई तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और इस तरीके की जो पत्रिकाएं हैं वो समय समय पर आनी चाहिए ताकि लोग हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में और देश की एकता के बारे में अपने विचारों को और मजबूत कर पाएँ. सलीम के इस प्रयासों के लिए मैं उसको दिल से बधाई देता हूँ. It is these small steps by ordinary people like Makrani's family that contribute to strengthening the secular fabric of the country.